अगर अभी आप यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर अपना फेस रिवील करते हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मैं से करो, जो लोग फेम के लिए करना चाह रहे हैं एंड आपके पास ऑलरेडी इतना ह्यूज अमाउंट है सब्सक्राइबर का एंड ऑडियंस भी है काफी अच्छी, तो आपके मन में कभी ये नहीं आता कि यार मैं भी थोड़ा फेमस हूँ अपना फेस दिखा करके? आई फील कि फेम के लिए तुम्हें फेस दिखाने की जरूरत नहीं, अगर ऑडियंस मेरे लिए ताली बजा रही है तो वही फेम मेरे लिए काफी है, आई फील। एंड ये जो मास्क है, हेलमेट है, ये कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एंड आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई लाइफ टू दीज कैरेक्टर्स, एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर। सो उस चीज का मेरे को ज्यादा फैसिनेशन है देन शोइंग माई फेस एंड हैविंग फेम। अगर अभी आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपना फेस रिवील करते हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मैं से करोगे नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है? मतलब व्हाट इज द माइनस पॉइंट? मैं 2-3 दिन इंबेरस रहूंगा और कुछ नहीं सर क्योंकि ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया था, बट मुझे डर तो था ये चीज अच्छा, लेकिन अगर कर दोगे तो कमाल हो जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब इससे बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता अगर आप अपना फेस रिवील करना चाहो तो। मतलब आप सोच के देखो ना कि अगर थंबनेल पे लिखा हुआ है एंग्री प्राश फेस रिवील। कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर उसको कोई बड़ी चीज करनी तो ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। फॉर हाँ मी दिस प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, एंड मैं हैप्पीली कर सकता हूँ वो चीज, बट मैंने अपनी ऑडियंस को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है दैट आई विल डू इट लेटर ऑन 10 मिलियन। राम राम जी सबने, मैं लाखा, मैं एक छोरी।